तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कैसे करें। अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चले शुरू करते हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप ओपन करना है। इसके बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब नीचे लोगो पर क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्री लाइंस पर क्लिक करोगे आपके पास सेटिंग एंड प्राइवेसी का नाम आ जाएगा। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अकाउंट सेंटर नाम देखने को मिलेगा, तो इसको करना है ओपन। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब आपकी जो भी इंस्टाग्राम के प्रोफाइल है, आईडी है, जिसको आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि इसी आईडी को आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो, लेकिन आपका क्या रीजन है आप कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी हमारा ये अकाउंट हम टेम्पररी यूज नहीं करते हैं तो डीएक्टिवेट कर रहे हैं। आपका क्या रीजन है, आप क्यों डीएक्टिवेट करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे लिखा है पर्सनल डिटेल। जी हाँ, यहाँ पे पर्सनल डिटेल नाम लिखा है, तो इसको ओपन करना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल नाम है, तो यही पे डीएक्टिवेट नाम लिखा है, आप देख सकते हो। तो अब आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल को ओपन करना है। उसके बाद आपको डीएक्टिवेशन नाम आ जाएगा, इसमें जाके आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो अब इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद फिर से आपकी इंस्टाग्राम की आईडी आएगी, फिर से कंफर्म करना है, फिर से इसको ओपन करना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर है यहाँ पे डीएक्टिवेट अकाउंट और नीचे लास्ट में आपको डिलीट अकाउंट दिखाई दे रहा होगा। तो आप गलती से भी इस पर नहीं क्लिक करना, निचले वाले पर, नहीं तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो ऊपर क्लिक करना, डीएक्टिवेट अकाउंट के आगे ये वाला बॉक्स पर, ठीक है। डीएक्टिवेट अकाउंट के आगे इस पर क्लिक करना और आप कर देना कंटिन्यू। इसके बाद प्रोसेस होगा और इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड डालना है, जिस अकाउंट को आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो उसका पासवर्ड, ठीक है। मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए हो, आपको पासवर्ड ही पता नहीं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का, तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना। यहाँ पे जाके आप अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड डाल देंगे। आपको पासवर्ड पता है तो पासवर्ड डाल देना। तो अभी हमने अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद प्रोसेस होगा और आपके पास इस तरीके से आ जाएगा डीएक्टिवेटिंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट। अब आप इनमें से कोई भी रीजन सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारा यहाँ पे सेकंड अकाउंट है इसके लिए हम ये डीएक्टिवेट कर रहे हैं। आपका क्या रीजन है, इनमें से कोई भी एक रीजन को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो तो उस पर भी क्लिक कर देना, हो सकता है तो, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, कंटिन्यू करना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, कंफर्म टेम्पररी अकाउंट डीएक्टिवेशन, यानी कि आप क्या सचमुच अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हो। तो हाँ, अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तो बस आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट पर क्लिक करना है, डीएक्टिवेट अकाउंट पर। उसके बाद प्रोसेस होगा, आपको वेट करना है और आपके पास एक नया पेज आ जाएगा और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा इस तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों, लाइक करना है, सब्सक्राइब।